चलें जी, प्लीज ज्वाइन कर लें। लेट स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और भाई खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है सर। स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई? लैग आ रहा है अभी तो सर, कुछ आ नहीं रहा। आज हमने ना एक्सरसाइज शुरू करनी थी। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज? हाँ दूसरी। अच्छा, मैंने आपका काम रिटर्न तो कर दिया है, पर वो जो है ना, आप कुछ गड़बड़े हैं बीच में। या तो यार पता है क्या है कि आप करते हुए तवज्जो से नहीं कर रहे होते, इधर उधर ख्याल जाता है आपका, या फिर आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। या समझ में आ रहा है सर? समझ में सर उस तरह नहीं आ रहा सर, समझ में सर उस तरह नहीं आ रहा है मतलब। लेकिन सर बात ये है कि मैं सर वो क्वेश्चन ना सर शायद मैं खुद से सॉल्व नहीं करता, पीछे जो किए होते हैं ना उसमें से चेक कर रहा हूँ तो मेरा आंसर गलत तो नहीं हो गया। गलत तो गलत अगर हो जाए थोड़ा सा स्टेप तो फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो अच्छा, आपको जो है ना, मतलब मैं ये काम इसलिए देता हूँ कि आप उसको बैठ के ना आराम से तसल्ली से पूरा सॉल्व करेंगे, जैसे मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ ना उसी तरीके से, और किसी चीज़ की समझ लेंगे, वीडियो भी देख लेंगे, लेकिन उसके बाद जब सॉल्व करने बैठेंगे ना खुद से करने की कोशिश करेंगे, बगैर देखे, बगैर कुछ हेल्प, बगैर इधर उधर देखे। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना फिर आपकी लर्निंग होगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है फिर लर्निंग। सर एक दफ़ा सर मैं सर एक दफ़ा स्टेप समझ आ जाए ना मतलब फिर मैं खुद से करता हूँ। ये मैं आपको खुद से जारी बातें करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सर ये है ना, मैं हेल्प ले लेता हूँ सर फॉर्मूला की। क्वेश्चन तो जारी बात है डिफरेंट होता है, लेकिन सर फॉर्मूला वगैरह मुझे अभी याद नहीं होता। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन वगैरह का भी ये मैं जो सच्ची बात है मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं नोटबुक वगैरह से हेल्प ले लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं फॉर्मूला उस तरह याद तो नहीं है। कोशिश करें कि बगैर देखे सॉल्व करने के काबिल हों, फिर फायदा होगा आपको। अब ये फिर से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, ये थोड़े से ना ट्रिकी होते हैं, थोड़े इसको इक्वेशन बन जाए तो फिर आप सॉल्व कर लेते हैं। अ फैक्ट्री एम्प्लॉयज एम मैन, एन बॉयज पी वुमेन। इफ अ मैन अर्न्स एक्स पाउंड्स पर वीक, बॉय अर्न्स वाई पाउंड्स पर वीक, वुमेन जेड पाउंड्स पर वीक, व्हाट विल बी द वेजेस की डेटा बना ले, फिर सवाल आगे सॉल्व हो जाएगा। सर वो स्क्रीन नहीं सर आ रही, डेटा के पीछे हेडिंग आ रहा है खाली सर, ब्लैक आ रहा जी सर, स्क्रीन नजर स्क्रीन नहीं नजर नहीं आ रही जी सर, ब्लैक आ रहा खाली। सर वैसे आपको क्या लग रहा है सर, मेरे पास होने के चांस सर महसूस हो रहे हैं सर या नहीं? वैसे भाई देखिए, पहले आप में इम्प्रूवमेंट तो मुझे वकाम में नज़र तो आ रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ना आप ईमानदारी से
से सॉल्व करें, मतलब ये कि जान छुड़ाने वाला या इधर से देख के टीपा खाना पूरी की वो करने का फायदा कोई नहीं है। वो चीज आपको खुद करनी है, वो मैं नहीं आपसे मजबूर कर सकता आपको करने के लिए, आपको खुद अपनी विल पावर पे करनी है। मैं आपको समझा सकता हूँ आपको, लेकिन जो खुद करने वाला काम है ना वो आपको खुद ही करना है। बच्चा होता है ना जो खाना खिलाती है माँ, तो वो सिर्फ नवाला बना के मुंह में रख सकती है, निगलना चबाना उसका अपना काम है। वो सही माँ नहीं बात। चबा के, माँ अगर चबा के भी दे देना, निगलना भी उसने खुद ही है। अगर वो निगले ही नहीं ना फिर आप तो कुछ नहीं कर सकते, वो निगलने वाला काम आपको करना पड़ेगा। अच्छा अभी कोई फर्क पड़ा है इसमें? सर कोई नजर ही नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। सर मैं दोबारा से मैं ज्वाइन करूं? आपको अभी देखिए अभी फर्क पड़ा सर बिल्कुल भी सर, वो खाली MB लिखा आ रहा है सर, MB। है? अच्छा आप ऐसा करें फिर एग्जिट होके दोबारा ज्वाइन करें लिंक से। सर अच्छा अभी ये तो नजर आ रहा है सर, आपने मेरा कैमरा चेंज की है, बाकी पता नहीं स्क्रीन नहीं नजर आ रही नहीं मतलब आपको अपनी शक्ल नजर आ रही है इसमें सर वापस, जो अभी। मैं हाँ जी, स्क्रीन पे। अब हाँ अभी ये नजर आ रही है जो आपने स्क्रीन की है ना, मेरी शक्ल नजर आ रही है, बाकी आप मतलब वो दूसरे बोर्ड नहीं नजर आ रहा। एक मिनट फिर वो आपको ना वो नजर नहीं आएगा इसमें ना, क्या सर कहते हैं मैं अभी एक देखें। मिनट नहीं नहीं अभी देखें, सर, अभी तो ज्यादा ब्लैक हो गया सर। अभी नहीं सर। सर मैं तो कह दूं सर, आप सर दोबारा सर स्टार्ट करें या नहीं मैं नहीं मेरी दोबारा मैंने सर? रिकॉर्डिंग पे रखा हुआ है ना, आप मैं जो है चले ना ये सर। काम ये जी आप सर। लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। ओके सर। हाँ भाई लिंक काम कर रहा है ना सर जी अभी भी सर MB लिखा आ रहा है सर, खाली सर MB लिखा आ रहा है अभी आपको क्या नजर आ रहा है सर। अभी तो सर इसमें मेरा वो चेहरा सर नजर आ रहा है अभी? सर, अभी नजर आ रही है सर, अभी नजर आ रही है। स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर स्क्रीन नजर आ ये रही है। पेंट वाला चैनल खोला हुआ है। जी सर डेट लिखी हुई आपने, डेटा सॉरी डेटा डेटा। हाँ बस ठीक है, ये इसका मसला था। अच्छा अच्छा डेटा बना दें कि नंबर ऑफ मेन इज इक्वल टू एम, ये नंबर लिखा है, नंबर आप पूरा लिख दें बेशक, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ वुमेन पी अच्छा डेली वेजेस जो है, डेली वेजेस डेली नहीं सॉरी वीकली वेज है, वीकली सर ये वेज आपने नंबर ऑफ वुमेन के आगे सर क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू डाल के पी, ई इसका क्या वीकली मतलब? वेज इज इक्वल टू, हाँ ये दिया हुआ है उन्होंने ना सवाल के अंदर, अच्छा सही है सर। मेन का एक्स है वीकली वेज, ये जो दो लाइन है ना इसका मतलब है ऊपर वाला रिपीट कर दें, और लड़कों का है वाई और औरतों का है जेड, ठीक है। अब ये कहता है सर टोटल ये वेज, ठीक है, ये मैन का एफ ये एक्स है और बॉयज का वाई है। वीकली वेज जो महीने हफ्ते का पैसे
तनख्वाह मिलेगी ना हफ्ते की, वो एक्स है उसका वाई उसका जेड पाउंड है। अच्छा टोटल वेज बिल जो मालिक या स्टेट को पड़ेगा ना वो आपने कैलकुलेट करना है, टोटल वेज बिल। वेज बिल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये आपने फाइंड करना है। तो टोटल वेज बिल इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई प्लस पी इंटू जेड। पाउंड्स खाली सर आपने पी जेड लिखा है, ये पी पाउंड पी जेड ये इसका आंसर है। ठीक है आपने क्या किया जो उसकी महारे की वीकली वेज है ना जी। वो उनके तादाद से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर सबको जमा कर दिए। ठीक है तो ये था ये, बस ये आंसर आ गई। हाँ यही टोटल सवाल था ये। चले सर अच्छा अभी मैं करता हूँ डिलीट इसको। A man earns U pounds per week. ठीक है अच्छा इसकी कहानी इस तरह से है कि पहले डेटा बना लें। किस तरह से होगा अच्छा अर्निंग ये अर्निंग लिखा है अर्निंग पर वीक इज इक्वल टू ये इसमें जो है ना इज इक्वल टू नहीं दो के वर्किंग डेज वर्किंग डेज इज इक्वल टू पाउंड यू और हॉलीडे। ऑन हॉलीडे वी एंड व्हेन ही इज ऑन हॉलीडे इफ ही इज ऑन हॉलीडे फॉर 3 weeks पर ईयर फाइंड द एनुअल सैलरी। ये अपने फाइंड करनी है पर ईयर एनुअल के अंदर दो एन डाले हुए एक एन है हाँ एनुअल सैलरी ये आपने फाइंड करना है। और मसला ये है कि नंबर ऑफ वीक्स ऑन हॉलीडे इज इक्वल टू 3 टोटल नंबर ऑफ वीक्स पर ईयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर नंबर ऑफ हॉलीडे मतलब क्या नंबर ये चीज नंबर ऑफ ये आपने क्या लिखा है नहीं नंबर ऑफ वीक ऑन हॉलीडे 3 अच्छा अर्निंग पर वीक सर ये अर्निंग पर वीक वर्किंग डेज में जो है ना अगर सिक्स्थ लाइन में सर टोटल नंबर ऑफ वीक्स ऑन हॉलीडेज नंबर ऑफ वीक्स ऑन हॉलीडेज हां नंबर ऑफ वीक्स ऑन हॉलीडेज 3 weeks गिवन है सवाल में। ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा इसमें सब जो डेटा है ना सवाल की वो मैं बना रहा हूं अभी इस वक्त मेरा काम अभी स्टार्ट बाद में होगा। ठीक है अच्छा अब एक बात मुझे पता है बल्कि ये बात अपनी तरफ से मैंने लिखी है सवाल में गिवन नहीं थी। टोटल नंबर ऑफ वीक्स पर ईयर आपके 56 होते हैं ना जी सर 56 होते हैं सर आपने 52 नहीं कहा था सर एक दफा वो 50 हाँ ये मैं कहना चाह रहा हूँ ये 365 दिन होते हैं ना तो 52 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं आप तो 7 5 35 350
यार 56 ना, 56 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो क्या आता है 365 आता है, या 52 को करने पे 3 वो आता है? ये ज़रा कंफर्म कर दें, नंबर ऑफ हफ्ते जो है ना साल के मेरे ख्याल में 56 होते हैं, मैं ज़रा मेक श्योर कर लूँ। सर 56 वैसे होते हैं सर, मैंने इंटरनेट सेवन चेक किया था ना सर, वो 7 6 जो है 42, 7 5 जो 35, और 35 और 4 392 नहीं होते। अच्छा अगर आप 52 करते हैं, एक मिनट यार इसको गूगल कर लेते हैं, ये मैं नंबर ऑफ वीक्स पर ही है, 56 नंबर ऑफ वीक्स पर ईयर। फिफ्टी टू वीक्स होते हैं, 365 डेज बनते हैं ना, 52 वीक्स, ठीक है 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा टोटल नंबर आपके इसको 52 बना ले, इसको 56 नहीं 52। सर एक साल में सर कितने दिन होते हैं 364 ना? 365 दिन होते हैं ना, 365 दिन होते हैं साल के सर, तो हफ्तों में अगर कन्वर्ट करें तो 52 को 7 से, सर 52 को सर 7 से मल्टीप्लाई किए सर 364 आ रहे, वही ना, तो वो वक्त हफ्तों से 52 से ज्यादा हफ्ते होते हैं, 365 दिन, एक दिन ज्यादा है ना, एक दिन ज्यादा है, बल्कि एक दिन से भी कुछ 365.25 कुछ ऐसे कुछ एग्जैक्ट नंबर होता है सालों में जो दिन है ना उसका, लेकिन काउंट में इसको 52 लाते हैं, ठीक है 52 हफ्ते होते हैं। अच्छा 52 में से जो छुट्टियों वाले हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आएंगे वर्किंग वीक्स इज इक्वल टू वर्किंग वीक्स। यार ये वर्किंग वीक्स हम अब लिख रहे हैं वर्किंग वीक्स इज इक्वल टू 552 माइनस 3 इज इक्वल टू 49। जी अभी आवाज आ रही है आपकी, 49 वीक्स वर्किंग वीक्स 49 है, टोटल वीक्स 352 है। 352 हमने अपने नॉलेज की बेसिस पे लिखा है, एग्जिस्टिंग नॉलेज के हर साल में हमें पता है कि जी 52 वीक्स होते हैं। सर सर ये 2 सर क्या लिखा हुआ है, 2 के साथ 52 लिखा हुआ है, 52 कहां पे सर? ये नीचे सर वर्किंग वीक्स के नीचे 52 है। हाँ ये मैंने 52 लिखा है ना, ये मैंने लिखा है 52। ये सर क्या किया सर बता सकते हैं, ये 49 मैंने किया, ये है कि पहला मैंने मुझे मतलब ये मेरे एग्जिस्टिंग नॉलेज पे डिपेंड, यानी मुझे पहले से पता था कि साल में 52 हफ्ते होते हैं, ये मुझे पता होना चाहिए, सवाल का प्री रिक्विजिट है कि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, स्टैंडर्ड ये है। अच्छा अब इसने कहा ये कि तीन हफ्ते छुट्टियां हैं इसकी, तो पीछे कितने रह जाते हैं 52 माइनस 3, 49 हफ्ते का काम किया उसने, ठीक है। ये मैंने अलग अलग इसलिए किया है क्योंकि जिस हफ्ते वो छुट्टी पे होगा उसकी और तनख्वाह है, और जिस हफ्ते वो काम कर रहा होगा उसकी और तनख्वाह है। वर्किंग डेज वर्किंग वीक के लिए जो है वो यू है, और हॉलीडे के लिए वी है, तो मैं उसको इस्तेमाल करते हुए इसकी टोटल साल की जो है ना आमदन वो निकालूंगा, टोटल सैलरी, ठीक हो गया। ये मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा दूं उसको, सर मिटा दे, तो अब मैं निकालता हूं इसकी टोटल ईयरली सैलरी। Is equal to pound U into 49 plus V किसके लिए, हॉलीडे वाला, V into 3, यानी is equal to pound 49 U plus 3 V, ये बनती है इसकी, ये 49 U है ना सर? हाँ, तो बस ये आंसर आ गया, यही बनाना है, और हमारे पास डेटा होती तो हम इसकी यूवी की वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेते हैं, वो तो सर, है वो सर वो पिछले वाले क्वेश्चंस में सर एक्स वाई नहीं निकालते थे सर, वो फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह से सॉल्व करते थे, वो आएंगे ना इसमें, हो सकता है आगे चल के आए, इसमें तो हमें यूवी की टर्म्स में दिया हुआ ना, तो वही हमने फाइंड करना है। आपके 2 सवाल हो गए।
अब ये पिछले सवाल को हम सॉल्व कर दें। The price of m articles goods. अच्छा तीसरा सवाल क्या कहता है? The price of m articles was m, but the price of each article is increased by n pence. How many articles can now be bought for n? अब जरा इसको समझ के आप मुझे बताने की कोशिश करें, इसको कैसे सवाल करेंगे? सवाल में है क्या, पूछा क्या है इसने? अरे बिजनेस से रिलेटेड सवाल है सर, मतलब सर ये आर्टिकल की सर प्राइस ये बड़ी है सर, एन पेन से सर, एम है, एम आर्टिकल पहले मतलब सर ये पहले सर पहले सर एम सर आर्टिकल की सर प्राइस एम थी सर, ठीक है, अब सर वो चेंज हो के सर इंक्रीज हो के एन सर पेन हो गई है, और सर अब वो कितने मतलब लाएगा? हाउ मेनी आर्टिकल्स कैन नाउ बी बोट हाउ मैनी आर्टिकल्स आपने निकालने हैं? देखें बात ऐसे, मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि आपकी 10 चीज़ों की प्राइस जो है ना वो 1,000 रुपये है, ठीक है, हर चीज़ की प्राइस 100 रुपये बन जाएगी। अच्छा 10 चीज़ों की प्राइस है 1,000 रुपये और हर किसी की प्राइस 10 रुपये ज़्यादा हो गई है, ठीक है। आपने क्या कहा, हर चीज की प्राइस 1,000 रुपये? हर चीज की नहीं, 1,000 रुपये में 10 चीजें आ रही हैं, ठीक है, और हर चीज की प्राइस जो है ना वो अपने निकाल ली 100 रुपये। अब मैं कहता हूँ जी कि हर चीज की प्राइस 10 रुपये बढ़ गई है, अब नई प्राइस हर आइटम की क्या हो गई? 110 हो गई ना, यस सर, 10 रुपये पर यूनिट बढ़ गई पर आर्टिकल। अब वो कहता है अब आपके पास है 2,000 रुपया, अब आप 2,000 रुपये में कितनी चीजें खरीद सकते हैं सर? 200 के हिसाब से सर 10, अब आप उसको सीधी सी बात है 110 रुपये से डिवाइड कर देंगे, नई प्राइस से डिवाइड कर देंगे ना 2,000 को, क्या समझे? पहले 1,000 रुपये था, उसमें आपने 10 रोट मिसाल के तौर पर रोटियां ब्रेड खरीदी आपने 1,000 रुपये में, 10 ब्रेड खरीदी, ठीक है, तो आपकी एक ब्रेड हो गई 100 रुपये की। अब मैं कहता हूँ हर ब्रेड की कीमत जो है ना 10 रुपये बढ़ गई, 110 रुपये हो गई। अब 110 रुपये वाली जो है ना ब्रेड के हिसाब से मैं आपको 2,000 देता हूँ, तो उसमें आप कितनी ब्रेडें लाएंगे? तो आप 2,000 को डिवाइड कर देंगे 110 की नई प्राइस से, तो आपके पास आ जाएगी कितनी ब्रेडें आएंगी? सर मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते? मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, तादाद ब्रेडों की क्वांटिटी निकालनी है इसमें, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे इसको? सर मैं मल्टीप्लाई भी तो करके कर सकता हूँ, 110 में सर इतनी आएगी सर, ये इसे मल्टीप्लाई करके तब भी तो सर पता चल सकते हैं 110 के हिसाब से। 110 में कैसे मल्टीप्लाई करके 110 में? सर 110 से सर अगर मैं रैंडमली नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्ज करें सर जिस तरह सर 2000 में सर 1980 में सर 18 ब्रेड आ रही है 110 के हिसाब से, आपने जो है ना 2000 में निकालना है ना, 2000 में कितनी ब्रेड जाएंगी ये मसला है असल में। वो सर वो नहीं आ रही। चलिए अब इसकी डेटा बना, डेटा कैसे बनेगी सर? वो किस तरह आएगी सर वो पता चलेगा, आप क्या कहते हैं डिवाइड कर दूं 110 को किससे? हाँ 2000 को आप डिवाइड कर दें 110 के साथ, 110 के साथ, ठीक है सर कर दिए। अब आ रहा है सर ये पॉइंट्स में आ रहा है सर, 2000 का 110 से डिवाइड करने से पॉइंट में कैसे आएगा सर जी? ये देख ले सर आप, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, 2000 को 110 से डिवाइड करें पॉइंट में आंसर आ जाए, 2000 बड़ा है 100 छोटा। देख अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 110 से डिवाइड करेंगे 19.1 कुछ आ जाएगा। 2000 को 110 से डिवाइड की लिख लेंगे, देखो 2000 है ना सर, ये यही आ रहा है ना सर, आंसर तो पॉइंट्स में आ रहा है ना 18.18। हाँ तो 18.18 ये आपका असल आंसर है सर, ये मैं कह रहा हूँ। अब इन्होंने एम और एन की शक्ल में दिए हुए आपको, अब वो आपने फाइंड करना है। तो अब आप लिखेंगे द प्राइस ऑफ एम आर्टिकल्स, प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एम आर्टिकल्स
एम अपॉन स्मॉल एम, ठीक है सर। ये 2000 और 110 लिखो अभी या नहीं? जी 2000 वाली मिसाल थी ना मैंने दी थी। अब अगर आप 1000 रुपए कहते हैं ना, तो 1000 में आप 100, आप 10 ब्रेडें खरीद रहे हैं 1000 रुपए में, तो एक ब्रेड की कीमत 100 रुपए निकलेगी ना, तो ये वो 100 रुपए लिखा है एम अपॉन छोटा एम, प्राइस ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस इंक्रीज्ड प्राइस या प्राइस जो बढ़ जाएगी वो होगी सर। वो सेकंड सर वो सेकंड लाइन में आपने क्या लिखा हुआ है? प्राइस प्राइस ऑफ वन, ये वन लिखा है, वन प्राइस ऑफ वन ब्रेड, हाँ एन पेंस, तो पाउंड्स में एन पाउंड 100 हो जाएगा, एन पाउंड 100 हो गया, ये नई प्राइस है इसकी। सर इस सेकंड लाइन में आपने क्या लिखा है? प्राइस ऑफ वन ब्रेड, वन आर्टिकल। ओके सर, ब्रेड की बात ही नहीं हो रही, आर्टिकल की बात हो, वन आर्टिकल। देखिए एम आर्टिकल्स की प्राइस एम है, तो वन आर्टिकल की प्राइस होगी एम अपॉन स्मॉल एम, और इंक्रीज जो प्राइस, नई प्राइस जो है इसकी, न्यू प्राइस आप लिख लें, न्यू या इंक्रीज प्राइस बात एक ही है डेटा में, तो आप लिख सकते हैं न्यू इंक्रीज प्राइस एम अपॉन एम प्लस एन अपॉन 100। हाँ एन अपॉन 100 इसलिए किया, वो पेंस में दिया हुआ है, आपने पाउंड्स में लिखना है, तो 100 से डिवाइड कर दिए। नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट फॉर n pounds is equal to, ये उसमें होगा आपका जो है ना, n divided by सर ये अब नई कीमत में सर सर ये n आर्टिकल लेकर आया ना, मतलब इंक्रीज जी नहीं हाँ नई कीमत पे ना, नई कीमत पे एन रुपए की आपने आर्टिकल जाने कितने ला सकते हैं ये आपने बताना बेसिकली, तो आप उसको जो उसकी इंक्रीज्ड प्राइस है उससे डिवाइड कर देंगे, पैसों को कीमत से डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे आपके पास, वो आ जाएंगे एम अपॉन स्मॉल एम प्लस एन अपॉन 100। मैं अलग से भी लिख देता हूँ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स bought at for or n is equal to n divided by pound से price से divide कर देंगे, तो आपके पास तादाद आ जाएगी इसकी, bought for n article। सर आप क्या कह रहे हैं, किससे divide कर दूंगा? price के साथ, नई कीमत के साथ divide कर देंगे, तो आपके पास तादाद आ जाएगी कि एन पैसों में कितने आप ले सकते हैं। सर 100 के साथ एन को डिवाइड कर दो, 100 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि वो पेंस में दिया हुआ है, पी पेन एन पेंस। सर अच्छा ये सर इस तरह एम एन अल्फाबेट्स लिखे होंगे सर, इनको किस तरह डिवाइड करूं सर मैथ्स में, 1 से? क्या मतलब सर, ये जो एम और एन सर अल्फा मतलब ये जो सर ये अब इंग्लिश वाले वर्ड्स होते हैं सर, इनको किस तरह डिवाइड करते हैं नंबर के साथ? जी आवाज आ रही है लेकिन सवाल मुझे समझ नहीं आया कि सर मैं इनको किस तरह डिवाइड करते हैं। आप इसमें वैल्यूज रखेंगे ना, देखें आप इसमें मतलब ये कि इन्होंने वैल्यूज दी हुई नहीं है, जैसे अगर मैं अब ये अपनी एग्जांपल से रिलेट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मैं जैसे आपको पहले मिसाल दी थी ना, तो मैंने कहा था 1000 रुपया, ये वो 1000 रुपया एम है, ठीक है, और आपने उसमें 10 ब्रेडें खरीदी थी, ये 10 है ये वाला, तो आपको एक ब्रेड की कीमत यहाँ से निकल के आई थी 1000 बाय 10 100 रुपया, ठीक है। फिर मैंने आपको मिसाल के तौर पे अच्छा फिर मैंने नई कीमत निकाली, मैंने कहा जी 10 रुपये हर ब्रेड बढ़ गई है, ये 100 रुपये आपने निकाला था ना, तो नई प्राइस हो जाएगी, मैं कहता हूँ जी ये तो पेंस में बढ़ी है ना, हमारी पेंस का तो चक्कर नहीं है, अब मैं सीधी सीधी बात करता हूँ जी कि आपकी 10 रुपये बढ़ गई, तो नई प्राइस उस सूरत में हो जाती है 110 रुपया, ठीक है 10 रुपये बढ़ गई है 110 हो गई। अब आप निकालना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं आपको 500 रुपये देता हूँ, अब पैसे भी कम दे रहा हूँ और कीमत भी बढ़ गई, इसमें आप कितनी ब्रेडें खरीद सकते हैं, तो आप क्या करेंगे 500 को डिवाइड करेंगे नई कीमत के साथ, तो इससे आपके पास आ जाएगी कि कितनी आप ब्रेडें ले सकते हैं 500 में, होना ये चाहिए था
चार आएगी। होना ये चाहिए था कि आप पांच ब्रेड्स खरीद सकते हैं, अगर पुरानी कीमत होती थी, कीमत ना चेंज हुई होती 100 रुपए वाली, तो आपको चाहिए था कि अगर 1000 में 10 खरीद रहे हैं तो 500 में पांच आनी चाहिए थी, लेकिन अब आपके पास पांच नहीं आएंगी बल्कि कम आएंगी, 110 चार आ रही है सर। हाँ तो ये कहानी हो रही है सर, इसका नाम इन्होंने MN ये दे दिया सर। और सर ये 100 सर आपने अपनी तरफ से लिखी है सर, जो आपने मुझे मिसाल इसलिए लिखा है। हाँ इसलिए लिखा है कि ये पेंस है और 1 पाउंड के अंदर होती है 100 पेंस, तो आपने अगर पाउंड में हिसाब चलना होनी चाहिए दोनों की, ये पाउंड है तो इसको भी पाउंड होना चाहिए, तो एन को 100 से डिवाइड करने से पाउंड बना दिया आपने इसको, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा दूंगा या सर 100 पेंस होती है, मतलब कितना होता है सर आपने कहा 1 पेंस के अंदर 1 पाउंड के अंदर 1 पाउंड में एक पाउंड में ना 100 पेंस होती हैं, पेनीज होती हैं, पेनीज उसकी जमा पेंस है, जैसे अमेरिका में डॉलर में सेंट्स होती है ना, $1 में 100 सेंट्स होती हैं, हमारी जैसे पैसे होते थे, पैसे का पता है आपको रुपया होता है ना, रुपया रुपये से नीचे होता है सर, वो पहले होता था। हाँ अब नहीं होते वो, हम आपने शायद ना देखे, हमारे बचपन में तो होते थे 5 पैसा 10 पैसा सर, मैंने देखे हुए सर 25 पैसा, मुझे याद है मैं 4th क्लास में था ना, तो 25 पैसे की जो है ना 4 रोटियां नहीं 1 रोटी आती थी उस जमाने में, 1 रुपए की 4 रोटियां आती थी। अच्छा मुझे इस तरह से याद है, एक बेचारा कोई गरीब आदमी बैठा हुआ था मस्जिद में ना, तो मैं बच्चा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं नमाज़ पढ़ के जा रहा था, उसने मुझसे मांगा रोटी खिला दो मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने अपने मौलवी साहब जो थे ना उनसे कुरान पाक पढ़ता था मैं, तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझे 1 रुपया दिया, कहा जी इसे 4 रोटियाँ आती हैं, मुझे वो बात याद रह गई। तो उस जमाने में 1 रुपये की 4 रोटियाँ आती थी, अभी 20 रुपये की 1 रोटी आती है सर, अब तो 1 रुपये की ट्रॉफी भी नहीं आती। उस जमाने में 1 रुपये की 4 ट्रॉफियाँ आती थी, आई रिमेम्बर, 4 आने की 1 ट्रॉफी होती थी, और जो आपकी पेप्सी कोक है ना, कोक पेप्सी की जो बोतल है वो अपना जो आजकल 25 पैसे की होती थी सर, वो मेरे वो नहीं 3 रुपए की आती थी, वो 3 रुपए की हुई थी 92 में ना, ज्यादा महंगी, हम 4 रुपए लेते थे ना, तो हम अयाशी नहीं बल्कि 2.5 रुपए की होती थी, मुझे याद है हमें कोई 4 रुपए मिलता था ना, तो हम 1 रुपए के चिप्स लेते थे, ये लेस शेज नहीं थे उस जमाने में, और साथ हम पेप्सी पीते थे 2.5 रुपए की, वही आपकी 25 की उससे भी ऊपर चली गई सर। मैंने ये देखी है पैसे वगैरह सर, लेकिन मेरे टाइम ना ये पुराने पड़े हुए थे मेरे वालदैन के पास सर, मैंने यूज करने का मौका नहीं मिला सर, वो ज़्यादा ये नहीं यूज होते अब, ये चलते ही नहीं है भाई। हाँ वो मतलब पड़े हुए हैं सर निशानी के लिए सर, नहीं करते लोग यार सर, निशानी के लिए। रुपयों से बेहतर है कि आप जो है ना कार्ड बंदे को लोगों के पास इशू कर, डेबिट कार्ड और सबके पास मशीन हो, और दूसरा जो है ना आपकी ये क्या कहते हैं मोबाइल एप्स के जरिए से ना, ये इस पर रिसर्च की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा ना फाइनेंस में, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहें, मोबाइल ऐप है ना आपकी, जैसे मैं आपसे कोई चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ, मैं ब्लूटूथ के ज़रिए से या किसी और वायरलेस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हूँ और मेरे जो पैसे हैं ना वो आपके पास ट्रांसफ़र हो जाए, जैसे मैंने आपको पैसे देने ना सिक्के कैश के बजाय मैं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करूँ, इस पर भी सर नहीं ये तो मैं यूज़ करता रहता हूँ सर, ऑनलाइन वो तो सिस्टम के थ्रू है, ऑनलाइन आप ट्रांसफर करते हैं ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन आप ना कनेक्टेड हो इंटरनेट से। अच्छा, आपके ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वैसे तो आप कार्ड पे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लेते हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका और मेरा डिजिटल वॉलेट हो, मैं अपने डिजिटल वॉलेट से आपके पास जैसे बिटकॉइन को नहीं ट्रांसफर करते आजकल, ऐसे कैश को डिजिटल कैश को, इस पर रिसर्च की ज़रूरत है। ये नहीं है अभी सर, ये सिस्टम नहीं है, वरना इलेक्ट्रॉनिक तो है, वो तो कॉमन सी चीज़ है, कार्ड पे पेमेंट होती है आपकी, ईजी पैसा जो है उसमें भी यही है जी सर। ये सर जिस तरह ये मोबाइल नहीं आईफोन सर, अभी इसमें कार्ड की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये पाकिस्तान में सिस्टम नहीं चलता, आपका डेबिट कार्ड का इसके अंदर नंबर डाल दे तो सर आप किसी शॉप में जाके ना, जिस तरह मल्टीनेशनल शॉप से आप जाके परचेज कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर आपका डेबिट कार्ड चला जाता है एक तरह का, वो आपके ऑप्शन नहीं चलते, वो आपके जो है यूफोन के बिल में आता है ना उसका, जैसे यूफोन का अकाउंट है तो आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, अगर पोस्ट पेड है तो उसमें आ जाएंगे पैसे आपके टेलीनॉर वगैरह में, वो जो आप जब गूगल प्ले स्टोर से परचेज करते हैं तो उसमें भी तो इसी तरह से पेमेंट होती है ना, आपके अकाउंट उससे कटती है, कैरियर के थ्रू पेमेंट कटती है जी सर। सर मैं कह रहा हूँ अब नया ऑप्शन आया सर, आपको डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मोबाइल से सर आप सारी चीजें, मतलब मोबाइल आप मशीन के ऊपर रखें ना तो आपकी परचेज हो जाती है। अच्छा ये आईफोन में आया है सिर्फ,
ये एंड्रॉइड डिवाइस, लेकिन इधर सिस्टम नहीं चलता पाकिस्तान में सर, ये बार है सर, ये मैंने कोशिश की थी सर, लेकिन ये नहीं, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बड़ा फिट ऑप्शन है मोबाइल के अंदर आपका, मतलब समझे कार्ड आप यूज कर रहे हैं, मतलब मशीन के ऊपर रखे आपके पैसे चले जाते हैं। अच्छा 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 फॉर चौथा सवाल ये कहता है जी कि अ मैन स्टार्ट्स अ जॉब एट अ सैलरी ऑफ यू पर वीक, हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय वाई पेंस पर वीक एट द एंड ऑफ ईच ईयर, व्हाट विल बी हिज सैलरी आफ्टर एक्स ईयर्स। ये सवाल जो है ना, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। इसके अंदर होता यह है कि आप पहले इसको एक मिनट यार, अच्छा मैन स्टार्ट्स अ जॉब एट यू पर वीक, ठीक है, वीकली सैलरी, वीकली सैलरी फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू यू पाउंड्स, ठीक है, वीकली लिख दिया ना बस, तो यू पाउंड्स, ठीक है, पर वीक, पर वीक भी लिखते हैं बेशक, ठीक है। अच्छा, वीकली सैलरी इंक्रीज इन, वीकली सैलरी इंक्रीज इन वीकली सैलरी पर ईयर, हर साल के बाद, इज वाई पेंस is equal to y upon 100 pounds, ठीक है, तो increased, तो इसके जो है ना वीकली सैलरी फॉर सेकेंड ईयर, सर ये आपने y pens लिखा है ना, हाँ, what will the salary after जो है ना x years, तो वीकली सैलरी फॉर द सेकेंड ईयर, बात कह सकते हो सर, जी जी सर, तीसरा वाई पेंस एक्स पेंस लिखा होगा तो सर वो हमने सर 100 लिख देना है सर, क्योंकि एक जो सर पेंस मतलब एक पाउंड के अंदर 100 पेंस होती है, जी 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका पाउंड। अच्छा, वीकली सैलरी फॉर सेकंड ईयर इज इक्वल टू यू प्लस वाई बाय 100 सेकंड, ये आपकी वीकली सैलरी फॉर सेकंड ईयर इज सैलरी आफ्टर फर्स्ट ईयर, यू प्लस वाई, मैं ये साथ इजाफी भी लिख देता हूँ आपकी समझने के लिए, सैलरी आफ्टर, ये आफ्टर को मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर सैलरी आफ्टर, पहले साल के बाद जैसे ही दूसरा साल शुरू होगा तो उसको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, तो जनवरी से, यानी आप समझ लें कि वाई प्लस यू प्लस वाई पर 100 हो जाएगी, पहले साल के एंड तक ना वो वही रहेगी, तो वाई पेंस पर, ये और ये वीकली सैलरी है, मतलब ये सैलरी पर वीक है सर, पहले साल के सर सर मतलब स्टार्ट में सर उसकी सैलरी भर दे, जो स्टार्ट से लेके एंड तक ना यू रहेगी, यू पाउंड्स पर वीक, ठीक है, ठीक है, जैसे ही दूसरा साल शुरू होगा तो उसमें इंक्रीमेंट लग जाएगा, इंक्रीमेंट भी उसने बता दिया कि वाई पेंस का है, तो वाई बाय 100 उसमें जमा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अब आप ये करें कि अगला लिख दें वीकली, बल्कि ब्लू से ही लिखेंगे, वो चल रही थी कहानी, वीकली सैलरी फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू यू प्लस 2y/100, ठीक है, 2y/100 का मतलब ये है कि दोबारा y बाई 100 इसमें जमा हो गया। अब आप सेकंड ये निकाल रहे थे ना कि आफ्टर, यानी दिस इज आफ्टर फर्स्ट ईयर, सर ये 2y किस तरह है, मतलब एक और y जमा हो गया सर, मतलब दो y सैलरी आफ्टर सेकंड ईयर, सैलरी आफ्टर सेकंड, ये मैं थर्ड जिसको कह रहा हूँ ना, वीकली सैलरी इन थर्ड ईयर, ये आपकी है वीकली सैलरी आफ्टर, सर वो आपने मिटा दिया सर, मैं रेड से लिख रहा हूँ ना क्योंकि एक तरीके से चल रहा हूँ मैं, यानी कि दिस इज सैलरी आफ्टर
सेकंड ईयर, ठीक है, सेकंड ईयर। अच्छा अब सवाल में उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है आफ्टर एक्स ईयर्स, उसने ये नहीं पूछा ऑन एक्स ईयर, फर्क पड़ जाता दोनों में। अगर वो कहता ऑन एक्स ईयर तो फिर आपका फॉर्मूला उसके हिसाब से बनाते हैं। अब इसने कहा आफ्टर एक्स ईयर्स, तो इसी को अब आप आगे चलाएं ना, क्या कहते हैं इसी कहानी को, वीकली सैलरी, वीकली सैलरी, सैलरी आफ्टर एक्स ईयर्स इज इक्वल टू, अब आप देखें फर्स्ट ईयर के बाद जो सैलरी है वो यू प्लस वाई बाई 100 है, दूसरे साल के बाद जो सैलरी यू प्लस टू वाई बाई 100, तो ये वाली कितनी बननी चाहिए, यू प्लस एक्स वाई बाई 100 पाउंड्स। सर ये एक्स कहाँ से है, एक्स सवाल में पूछा है ना उसने कि उसकी कितनी, व्हाट विल बी द सैलरी आफ्टर एक्स ईयर्स, ठीक है सर, तो आपने एक्स से मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, पहले साल के बाद है वाई प्लस वाई यू प्लस वाई बाई 100, दूसरे के बाद है वाई प्लस यू प्लस टू वाई बाई 100, तीसरे के बाद है u प्लस एक्स, तीसरे अपना तीसरे के बाद हो जाएगा u प्लस थ्री वाई बाई 100 और x के बाद हो जाएगा u प्लस एक्स वाई बाई 100, कोई एक नंबर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ना आपको, y है फिर 2y है फिर 3y है, तो अब ये एक्स वाई कर देंगे x साल के बाद, यानी x प्लस वन ईयर में। जी सर सही है, इसलिए सवाल इस तरह से किए, पहले साल में सर y नीचे 100 लिखा, फिर दूसरे साल में u plus y 100, फिर तीसरे में पहले साल के बाद, यानी पहले साल जब खत्म हो गया फिर सैलरी हो गई u plus y by 100, दूसरा साल जब खत्म हो गया तो u plus 2 y by 100 हो गई, तीसरा साल मैंने लिखा नहीं जब खत्म हो गया तो ये हो जाएगी u plus 3 y by 100, x साल जब खत्म हो गया तो u plus x y by 100, ठीक है सर, ये इसकी कहानी टोटल, ये समझने की बात है सिर्फ, इसमें छोटी सी पंचायत। अगर ये कहते जी व्हाट विल बी सैलरी ऑन द एक्स ईयर, तो आप इसको कहते ये फार्मूला इसका बनता उस सूरत में अगर ये ऑन एक्स ईयर करता ना, ये अब सवाल से हट के बता रहा हूँ आपको, तो आप कहते जी पहले साल में है यू, दूसरे में है यू प्लस वाई, तीसरे में है यू प्लस टू वाई, यानी इसका ये जो सिलसिला चल रहा है एक डिजिट पीछे चल रहा है, तो आप लिखते उस सूरत में, ये मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ, u प्लस एक्स माइनस वन वाई बाय 100, ठीक है सर, किस, अगर वो सर कहता ऑन एक्स, ये है ना आफ्टर, इसने एक्स ईयर लिखा हुआ ना, अगर ये कहता ऑन एक्स ईयर, ऑन एक्स ईयर का ऑन और आफ्टर से इतना फर्क पड़ जाएगा, ऑन का मतलब है x, x कुछ भी हो सकता है 1 2 3, अगर आप x को 1 रखते हैं तो फिर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो u रह जाएगा, और ये बिल्कुल सही है, पहले साल में इसकी यही u बाय u पाउंड सैलरी है, ठीक है। अच्छा अगर आप करते जी कि दूसरे, आप दूसरे साल पे निकालें तो दूसरे में x की जगह 2 रख देते तो ये आपके पास आ जाता u प्लस y बाय 100, u प्लस y बाय 100 यहाँ पे भी यही आ रहा है, तो अगर ऑन लिखता तो ऑन से ये फ़र्क पड़ जाता कि आप यहाँ पे x माइनस 1 लिखना पड़ता, इसने लिखा है आफ्टर x ईयर्स इसलिए यहाँ पे x माइनस 1 नहीं आ रहा, ये आ रहा है, ये समझने की बात है, मतलब समझने से ज्यादा तवज्जो, मतलब कंसंट्रेशन रखने की बात है, ये ऑन और आफ्टर से इतना फर्क पड़ जाएगा इसमें। सर ऑन होगा तो सर मतलब ये ऑन होगा तो सर ये मतलब इसके साथ वन वगैरह लगेगा नंबर, हाँ ये याद ना रखें, ये आप याद रखें कि हमने बनाई कैसे, ये सारी बिल्डअप कैसे किया, मैंने कहा जी वीकली सैलरी ऑन द फर्स्ट ईयर इज यू, ये पता चल रहा है सवाल से कि पहले साल में तो इतनी देगा, जब साल खत्म होगा फिर इंक्रीमेंट लगेगा, कॉमन सेंस की बात है, दूसरे साल में इसकी इतनी सैलरी होगी वाई यू प्लस वाई बाई 100, तीसरे साल में होगी वाई प्लस टू वाई बाई 100, इसकी बेसिस पे मुझे पता चल रहा है कि अगर आप कहते हैं जी तीसरे साल पे आपने निकालनी है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर आपने देखें तीसरे साल पे निकालनी है यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे 3 नहीं आ रहा बल्कि 2 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जब मैं x पे निकालूंगा तो यहाँ पर x माइनस 1 आना चाहिए, इस बेसिस पे मैंने ये फार्मूला बनाया, ये एक छोटी सी समझने की चीज़ है। अब और जबकि हमारे सवाल में रिक्वायरमेंट जो थी ना वो ऑन की नहीं थी आफ्टर की थी, तो जब उसने कहा जी पहले साल के बाद कितनी सैलरी होगी तो वो ये है, दूसरे साल के बाद कितनी सैलरी होगी सेकंड ईयर के बाद तो वो ये है, इसमें 2 इधर इधर आपके पास जो है ना 2 आ रहा है, ठीक है, तीसरा साल अगर आप लिखते हैं तीसरे साल के बाद कितनी सैलरी होगी तो यहाँ पर 3 आ जाएगा,
एक्स में साल के बाद कितनी सैलरी होगी, तो यू प्लस एक्स वाई बाई 100 आ जाएगा। सर सही है का अगर वो कहेगा तो सर हम माइनस का साइन डाल के 1 लिख देंगे। हाँ, और जब हम आफ्टर का कहेंगे तो फिर वो माइनस क्यों नहीं आएगा, ये थी सी कहानी। अच्छा अब आपके पास जो है ना इसको डिलीट कर देते हैं। सर मेरा सर कभी टेस्ट भी लेना सर एग्जाम वगैरह किसी क्लास में। हाँ वो भी आप शेड्यूल करें ना आपका। वैसे उससे मुझे अंदाजा मैं बताता जा रहा हूँ असाइनमेंट के जरिए से, तो टेस्ट भी एक प्रॉपर रख लेते हैं आपका, टेक होम टेस्ट होगा लेकिन वो आपका जो है क्या कहते हैं टेक होम ही करेंगे, क्या ख्याल है आपको? ईमानदारी से टेक होम से मुराद ये है कि आप इधर स्क्रीन पे बैठ कर टेस्ट लेने के बजाय, अब मैं तो नहीं देख सकता ना किताब खोली हुई है कि नहीं खोली हुई आपने, तो चलें इसका कुछ डिस्कस करते हैं इसका, ठीक है? सर व्हाट्सएप इसका विषय कर लीजिएगा, विषय हफ्ता इतवार में से ले लेगा, एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, कोई मसला नहीं। व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेते हैं ना कि किस तरह से टेस्ट आपका रखना है, ठीक सर? मैं पहले भी फेल हुआ, वो भी पास होना चाहता हूं सर, इंशाल्लाह दिन रात एक कर दूंगा। बस ठीक है, आप अगर डिस्कस करते हैं ना टेस्ट का से कब रखना है, और कुछ सैंपल टेस्ट वेस्ट भी दे दें, वो जो आपके पेपर है उसमें से भी सवाल डाल दें। अच्छा, ड्यूरिंग द सेल अ शॉप गिव्स अ रिडक्शन ऑफ जी पेंस इन द पाउंड ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, इफ अ कस्टमर बायज मार्क्ड एट एक्स वाई जेड हाउ मच विल ही एक्चुअली पे। हाँ, तो ये क्या कहते हैं इस सवाल का, मैं ये सारे सवाल आपके ना पहले से खुद से सॉल्व करता हूँ आपको कराने से पहले, सब मैंने गो थ्रू किया। सर पहले आप कर चुके हैं, मतलब माइंड में मैंने इसको ना, मतलब ये लिख के सॉल्व नहीं करता, जबानी कलामी सॉल्व करता हूँ। ये मैंने ये वाला जो था ना, इस वाले को मैंने जबानी कलामी सॉल्व किया था 2-3 दिन पहले। अच्छा, तो वो फिर क्लास में कवर ने ये कह रहा है आपसे, ड्यूरिंग द सेल शॉप गिव्स अ रिडक्शन ऑफ जी पेंस इन द पाउंड। तो इसके अंदर जो है ना हो ये रहा है कि आपका जो आर्टिकल आप खरीदते हैं ना, एक पाउंड का आर्टिकल आप खरीद, उसमें वो जी पेंस की रिडक्शन करता है प्राइस में, ठीक है? जी आपको गिवन नहीं है, जी कुछ भी हो सकता है, 10 पैसे 20 पैसे व्हाटएवर, वो जी पैसों को रिड्यूस करता है एक पाउंड पे, ठीक है? तो यानी अगर जी 10 पैसे है तो आपको पे करने पड़ेंगे 90 पैसे, पूरा पाउंड नहीं पे करना पड़ेगा, 100 पेंस नहीं पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, 90 पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आपने एक पाउंड, सर वो जी पेंस का सर रिडक्शन देते हैं, मतलब वो डिस्काउंट देते हैं। हाँ, डिस्काउंट देता है, हर पाउंड के ऊपर डिस्काउंट देता है जी का। तो आपको पे जो करना पड़ता है ना, वो पूरा पाउंड नहीं पे करना पड़ता है, बल्कि आपको जो है 1 माइनस जी बाय 100 पे करना पड़ता है, 1 माइनस जी बाय 100 पे करना पड़ता है, ठीक है? हर पाउंड पे अगर आप एक्स पाउंड पे करते हैं तो एक्स पाउंड के हर पाउंड के ऊपर आपकी ये रिडक्शन हो रही है। इसका मतलब ये कि एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस जी बाय 100 जो है ये आपकी रिड्यूस्ड पेमेंट है। ये बनने का सर कितना, 90? हाँ जी, ये 90 बनेगा ना, ये कितना बनेगा? ये 90 नहीं, जी तो कुछ भी है, दिया नहीं है इसमें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ना इन्होंने मतलब ये आपको एक जी कुछ भी हो सकता है, 50 पैसे हो सकता है, पेंस हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी, हर पाउंड के ऊपर आपको ना जी पेंस की रिडक्शन दे रहा है। तो अगर आप एक्स पाउंड खर्च करते हैं तो आपको वो एक्स इंटू 1 माइनस जी की रिडक्शन मिलेगी। तो अब ये आपसे पूछ ही रहा है कि कस्टमर बायज आर्टिकल मार्क्ड वाई एक्स वाई जेड हाउ मच विल ही एक्चुअली पे। तो वो एक्चुअली पे सिंपल करेगा, वो पे करेगा एक्स, यानी आप ये रिड्यूस्ड पेमेंट निकाल लें, इसकी डेटा बना के करते हैं ना। मुझे एकदम पता नहीं ठंडा पसीना आ गया, पता नहीं क्या हो गया मुझे अचानक। एकदम सख्त पसीना आ गया मुझे सर, सवाल को देख के सर आ गया होगा आपको। नहीं नहीं, सवाल देख के नहीं यार, मेरी शुगर लेवल कहीं डिस्टर्ब हो गई हो बिल्कुल एकदम से ना। असल में मैंने दिन को लंच किया था, उसके बाद फिर ना यूनिवर्सिटी से आके मुझे कुछ पैदल ना इधर घर तक 1.5-2 किलोमीटर चलना पड़ता है, उसके बाद मैंने कुछ सही खाया पिया। अच्छा सर, बड़ी बात। फिर वो ट्रैवलिंग में भी 2 घंटे लगते हैं ना हमारे, एक मिनट बस मुझे दे दें। ओके सर,
सर बैरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ना बैरियर? H11 वाली जो है अच्छा, वैसे और कौन सी यूनिवर्सिटी है बैरिया? वो ही नहीं है बैरिया जो है ना, उसके दो कैंपस बन गए हैं, दो है, एक ईएट में है जहाँ बिजनेस स्कूल है, और जो इंजीनियरिंग और साइंसेज वाला है ना, अप्लाइड साइंसेज वाला, वो H11 में। लॉ भी सर H11 में? लॉ वाला डिपार्टमेंट? नहीं, लॉ बिजनेस स्कूल के साथ है, कंप्यूटर साइंस में फिलहाल उधर ही ईएट में है। मेरा सर एक दोस्त पढ़ता था सर, वो ये आपकी बैरिया यूनिवर्सिटी में, वो शायद दूसरी में पढ़ता होगा। वो यार बहुत बढ़िया, उसके अंदर हमें नहीं पता बिजनेस स्कूल में कौन कौन है, हम जानते ही नहीं उनको। उधर कराची कैंपस में मैं होता था तो वहाँ पे भी काफी ज्यादा स्टूडेंट थे। जी सर, चलें जी। सर बैरी यूनिवर्सिटी के सर तो स्टूडेंट तो सर मैंने सर जहाँ तक रेपुटेशन सर इतनी अच्छी तो नहीं है बैरी यूनिवर्सिटी की सर, अगर माइंड ना करे सर तो मैं। चलें कोई और बात करते हैं भाई। नहीं वैसे सर मतलब अच्छा, ये जो है ना क्या कहते हैं इसका, ये कह रहा था कि इसकी डेटा कैसे बनाएंगे हम, कि रिडक्शन ऑफ रिडक्शन इन प्राइस डिस्काउंट बन के लिख दें, डिस्काउंट इज इक्वल टू जी पेंस इज इक्वल टू पाउंड जी बाय 100 ऑन ईच पाउंड। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस, अब आप देखें डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू 1 - g/100 pound। ठीक है, अच्छा ऑन ईच पाउंड। सर ये क्या आपने लिखा हुआ है सर, जी पेंस के आगे सर ये इज इक्वल टू डाल के पाउंड जी, आगे क्या लिखा हुआ है जी पाउंड के आगे सर? ऑन ईच पाउंड में पाउंड लिख देता हूँ ना, सिंपल आ गया, ये पाउंड का निशान है ना, ये ईच पाउंड के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने लिखा है ऑन 1 pound, अगली लाइन में भी 1 pound लिखा हुआ है। डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो बन जाएगी 1 - g/100। ठीक है, डिस्काउंटेड, अब मैं तीसरी लाइन में लिख रहा हूँ डिस्काउंटेड प्राइस फॉर एक्स पाउंड्स, फॉर पाउंड एक्स इज इक्वल टू पाउंड एक्स 1 - g/100। ठीक है, सिमिलरली सर ये आपने थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंटेड फॉर डिस्काउंटेड प्राइस और एक्स पाउंड डिस्काउंटेड प्राइस फॉर y pound is equal to pound y multiplied by 1 - g/100। इसी तरीके से आप z का कर दें, वो आप लिख दें is equal to pound z 1 - g/100। तो इसमें और उन्होंने पंचायत नहीं डाली, वरना ये डाल सकते थे कि भाई फर्स्ट पाउंड के ऊपर g की हम रिडक्शन देते हैं, दूसरे पाउंड पे हम जो है अपना जी बाय 10 की देते हैं और करते चले जाते हैं, फिर आपको ना वो लंबा पंचायत बन जाती है और वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कोई फार्मूला या सिंपल इंटरेस्ट का कोई फार्मूला लगाना पड़ता, वो देखना पड़ता है उसको, वो नहीं है सवाल के अंदर, ये इतना मुश्किल नहीं है सवाल। अच्छा ये जो है ना क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे अपना बैरिया यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स वगैरह का कोर्स, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ाए हुए, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पढ़ाए हुए, जो मैनेजमेंट साइंस के कोर्स है ना वो भी पढ़ाए हुए हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, टाइम सीरीज जो बनाते हैं वो क्या कहते हैं, फ्यूचर वर्थ, प्रेजेंट वर्थ, एनालाइज्ड वर्थ, वो एनुअल वर्थ, ये सारी जो है ना जो ए सीरीज होती है वो हमने कराई हुई है उसमें, ये नॉर्मली नहीं आती लोगों को, इंजीनियर्स को, मैंने ये सीखी हुई भी है और वो सब्जेक्ट पढ़ाए भी हैं बाकायदा। अच्छा अब आपके टोटल जो बन जाएगा ना, हाउ मच ही एक्चुअली पेज, द अमाउंट ही एक्चुअली पेज, आप लिख दें द अमाउंट ही एक्चुअली पेस, वो जो है ना खुशकती वाला वो ज़्यादा बेहतर है लिखना, द अमाउंट ही एक्चुअली पेस इज इक्वल टू पाउंड 1 - g/100 प्लस वाई 1 - g/100 प्लस जेड 1 - g/100।
सर ये 100 सर उसी तरह आया था ना, मतलब ये एक पाउंड 100 पेंस होती है। हाँ, पेंस से पाउंड में कन्वर्ट कर दिया आपने। ठीक है सर। तो आंसर सर इसका क्या, नीचे बस ये आ गई, ये वाला आंसर आ गया था, ये मैंने लिखा है ना ग्रीन प्लस प्लस जेड ए ब्रैकेट 1 माइनस जी इज स्लैश 100। आप ये कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस जी बाय 100। अच्छा जी, अब आप आ जाएं इसके ऊपर, छः सवाल नंबर 6 पे। वो ये क्या कहता है इसमें, अ नंबर एम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इफ वन पार्ट इफ इफ ए इज वन पार्ट एंड द प्रोडक्ट आर टू पार्ट। अच्छा, अ नंबर एम, नंबर इज इक्वल टू एम इज डिवाइडेड इनटू two parts, one part is equal to a, other part क्या होगा बताएं आप सर। एक मिनट सर, सर ये other part सर, सर a one part है सर, other part एक m m m तो total है यार, m minus a, ठीक है, m minus a दूसरा हिस्सा होगा इसका। अब ये कहता है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू पार्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय एम माइनस ए, यानी ए एम माइनस ए स्क्वायर। सर ये टू कैसे है, टू कौन सा टू सर, ये आपने नीचे टू लिखा हुआ नहीं ब्रैकेट के नीचे, ये सवाल में लिखा है ना, इन्होंने कहा है कि एक नंबर एम है उसके दो हिस्से आप करते हैं, दो दो इधर भी दो लिखा हुआ है, फिर एक हिस्सा उसका ए है, ठीक है, दूसरा हिस्सा उसका, जाहिर सी बात है हम उसको बी नहीं कहेंगे, हम आसान लिखेंगे चीज़ों को, एम अगर है तो एम में से आप ए निकाल दें, एम माइनस ए तो दूसरा हिस्सा बन गया, प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स ये सवाल में ये लिखा हुआ है, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स ले लिया ए इंटू एम माइनस ए और ब्रैकेट खोल दी, ए एम माइनस ए स्क्वायर कर दिया इसको। ये वाला सिंपल सवाल था सर, ये आंसर इसका आ गया, बस यही आ गया क्योंकि हमें वैल्यूज नहीं गिवन ना, इसी इतने ही हम आंसर बता सकते हैं। सर टू, सर टू ये ए पे लिखा, सर ये ए के ऊपर आपने लिखा हुआ या एम और ब्रैकेट ये जो है ए स्क्वायर, वो ब्रैकेट खोल दिए, ए एम माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ये ए स्क्वायर है। अच्छा जी, अब आप आ जाएं इसके ऊपर सातवें सवाल पे। अच्छा, इसमें वो क्या कहते हैं कि अ मैन पेज इनकम टैक्स एट अ रेट ऑफ एक्सपेंस इन अ इन द पाउंड, एक पाउंड पर जो है ना एक्सपेंस वो देता है टैक्स, इफ हिज इनकम इज एम पाउंड्स ऑफ विच क्यू इज टैक्स फ्री, हाउ मच टैक्स इन पाउंड्स ही पे। अब आप ये जरा सोच के मुझे बताएं, टैक्स कैलकुलेशन ये सारे बिजनेस में आते हैं आपका, एक जो है ना टैक्स लगता है इस तरीके से कि हर पाउंड के ऊपर एक्सपेंस आपको टैक्स देना है, ठीक है, तो अगर आपके इसकी इनकम जो है ना वो उन्होंने लिखी हुई है एम पाउंड है, अगर कोई मसला ना होता तो आप सिंपली एम को एक्स से मल्टीप्लाई करते आपको टैक्स पता चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यू जो है ना उसमें से उसकी टैक्स फ्री इनकम है, उस पर टैक्स नहीं लगता, पीछे बचता है m माइनस क्यू, m माइनस क्यू पे टैक्स लगेगा x के हिसाब से, एक्सपेंस पर पाउंड के हिसाब से, ठीक है जी, तो जो m माइनस क्यू है उसको आप x से मल्टीप्लाई करेंगे और वो पेंस में, तो पाउंड में करने के लिए आप उसको 100 से डिवाइड भी करेंगे, वो आपका टैक्स बन जाएगा। इसने पूछा है कि हाउ मच टैक्स इन पाउंड ही पेज, ये है टोटल कहानी, समझ आई कि नहीं सर, ये करवा देना, मैं करवा रहा हूँ पहले समझा रहा था इसको, ए मैन पेज एन इनकम टैक्स एट अ रेट ऑफ एक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल टू रेट
इनकम टैक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100 पाउंड फॉर ईच पाउंड, ठीक है। तो टैक्स पेड ऑन 1 pound इज एक्स बाय 100, ये भी आपने लिख दिया, साफ हो गई कहानी। इनकम, टोटल इनकम इज इक्वल टू, हम अगली बात कर रहा हूँ, टोटल इनकम इज इक्वल टू एम पाउंड, टैक्स फ्री इनकम इज इक्वल टू क्यू पाउंड, टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू एम माइनस क्यू पाउंड, ठीक है। तो टैक्स पेड ऑन एम माइनस क्यू पाउंड इज, ये मैं इस जगह को साफ कर देता हूँ। सर ये लास्ट में आपने क्या लिखा है, टैक्स, टैक्सेबल इनकम, जिस पे टैक्स लगेगा, जिस इनकम पे टैक्सेबल। तो अब आप लिखेंगे कि टैक्स पेड ऑन, टैक्सेबल इनकम पे ही पे करेंगे ना, एम माइनस क्यू पाउंड्स इज इक्वल टू पाउंड एम माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाय 100। तो जो टैक्स पेड है वो आपका ये है, एक्चुअली ही पेज ए टैक्स ऑफ एक्स 100 पाउंड एम माइनस क्यू एक्स बाय 100। एक पाउंड पे ना एक्स बाय 100 पाउंड टैक्स पे करता है, तो जब एम पाउंड होते हैं मिसाल के तौर पे, तो उस पर एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाय 100 पे करता, एम तो नहीं थे उसमें से, क्यू टैक्सेबल टैक्स फ्री इनकम थी, तो क्यू को आप निकाल, एम में से क्यू को निकाल दें, पीछे जो बचता है ना आपके पास उस पे आप टैक्स लगाएंगे, उस पर हर पाउंड पे वो टैक्स देता है एक्स बाय 100 के हिसाब से, तो ये बन जाता है एम माइनस क्यू एक्स बाय 100। क्यू सर टैक्स फ्री था इसीलिए, हाँ हाँ जी, उस पर टैक्स नहीं लग रहा था, उसको आप निकाल देंगे। वैसे पाकिस्तान में भी इसी तरह से टैक्स कैलकुलेट होता है कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, नॉन टैक्सेबल इनकम उसको काट दें, फिर जो पीछे बचेगी टैक्सेबल उस पर आप टैक्स लगाते हैं। सर ये बड़ा नॉन लंबा चौड़ा पंचायत, नॉन टैक्सेबल सर इनकम सर कौन सी होती है, कोई पता है सर? वो यार क्या कहते हैं, होती हैं क्या कहते हैं, अभी मैं तो, हम लोग तो सैलरीड लोग हैं ना, और वो भी हमारी गवर्नमेंट के उसमें खाते में आते हैं, तो ये जो बिजनेस शिजनेस वाले होते हैं ना, वो बेहतर इसको समझते भी हैं, और वो उसके लिए ये कि हमने फाइलिंग करने के लिए ना वो रखे होते हैं, हायर कर लेते हैं पेमेंट पे, ये जो नहीं होते अकाउंटेंट टाइप, वो सारा हिसाब कैलकुलेट करते हैं, उनको सही समझ होती है, हर साल ना टैक्स का रेट भी चेंज होता है, उनको सब पता होता है, तो वो हम ज़्यादा पढ़ नहीं सकते उसमें, अगर पढ़े तो गलतियाँ हो जाती हैं। वैसे एक दफ़ा मैंने खुद अपनी फाइलिंग की थी, हमारी तो सिंपल सिंपल सी होती है, जो दूसरे बिजनेस वाले ना उनकी बड़ी मुश्किल होती है सर, वो बैलेंस शीट और सर वो इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। हाँ वो भी है, और इसमें से आप निकालते हैं ना कि हर रेट भी मुख्तलिफ होता है टैक्सों का। अच्छा ये आपका सवाल दो रब रहते हैं, ये करा कर लें तो बेहतर है मेरे ख्याल में। अच्छा इसमें क्या कहता है ये कि After spending 1/7 of my income on rent and 2/7 of the remainder on the household expense, I have X left. What is my income? Let the income be I. Income be I कह लें आप उसको, capital I, कुछ भी कह सकते हैं। आप सर क्या लिखा है? Let the income be, हाँ लेट द इनकम, ये मेरा थोड़ा सा निब घिस गई है इसकी ना, मैं उसको सही आया नहीं, मैं घुमा लूँ जरा उसको। अच्छा तो ये इनकम आपकी आई है, ये कहता है कि स्पेंडिंग 1/7 ऑफ माय इनकम ऑन रेंट, इनकम सर ये आपने ऊपर क्या लिखा है, लेट द इनकम बी आई, इनकम स्पेंट ऑन रेंट इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय 7, 1/7 रेंट पे जा रही है, ठीक है। फिर ये कहता है 2/7 ऑफ द रिमाइंडर, सवालों को ना एक एक लफ्ज को पढ़ने की जरूरत होती है, पहले आप लिखें रिमाइंडर कितना है,
रिमाइंडर इनकम कितनी होगी, रिमाइंडर इनकम आई माइनस आई बाय सेवन, आपके पास मिसाल के तौर पे 7,000 आपकी इनकम थी ना, आपने उसका सातवां हिस्सा रेंट पे दे दिया, यानी सातवां हिस्सा उसका 1,000 बनता है। अब आपने 1,000 निकाल दिया तो पीछे 6,000 बचा, ये रिमाइंडर इनकम 6,000 है, ठीक है। ये जो कह रहे हैं ना कि रिमाइंडर इनकम का टू सेवंथ ऑफ द रिमाइंडर इनकम इज इक्वल टू टू, बल्कि इसको अंग्रेजी में लिखें टू, सर ये 1/7 लिखा भाई या 2/7, 1/7 लिखा है, 1/7 आई बाय सेवन लिखा है, आई बाय सेवन आई बाय सेवन लिखा है, वन नहीं लिखा आई बाय सेवन। अच्छा इनकम इनकम है, आई से इनकम आई है ना, अगर इनकम आपकी 7,000 है उसका सातवां हजार आप रेंट पे दे, सातवां हिस्सा रेंट पे दे रहे हैं तो छः अपना 1,000 बनेगा ना, और पीछे कितने 6,000 बचेंगे आपके पास। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना 6,000 की बात कर रहा हूँ, 2/7 ऑफ द रिमाइंडर हाउस होल्ड, एक मिनट यार किधर है, 2/7 ऑफ रिमाइंडर आर स्पेंट ऑन हाउस होल्ड खर्चा, ये हाउस होल्ड लिखा है ठीक है, इज इक्वल टू 2/7 इंटू आई माइनस आई बाय सेवन, ठीक है, ये आपका 2/7 ऑफ द रिमाइंडर हो गया। अब ये पूछता है कि आई हैव एक्स लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 1/7 ऑफ माई इनकम ऑन रेंट, ठीक है वो निकाल दी, फिर आपने क्या किया 2/7 ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस होल्ड, आई हैव एक्स लेफ्ट, तो वो है एक्स आपके पास, एक्स इज इक्वल टू आई माइनस सर एक्स कहां से आ गया सर, एक्स इसने कहा है कि ये पैसे बचे हैं पीछे, ये पैसे बच गए, एक्स बच गए पीछे, और आपने जो है ना क्या किया है कि आफ्टर स्पेंडिंग 1/7 ऑफ द इनकम ऑन रेंट, ठीक है 1/7 ऑफ द इनकम इज आई बाय सेवन एंड 2/7 ऑफ द रिमाइंडर माइनस 2/7 आई माइनस आई बाय सेवन, आई हैव एक्स अमाउंट लेफ्ट, वट इज़ माई इनकम। तो आपने, इसने आपको एक्स नहीं बताया हुआ, अगर ये आपको एक्स बताता ना तो आपने आई निकालना था उससे, क्योंकि यहाँ पे दो ही वेरिएबल होते हैं, अभी यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स के लिए दो इक्वेजन्स की ज़रूरत है, हमारे पास दो इक्वेजन्स नहीं है, हमारे पास एक ही इक्वेजन है, इसलिए हम इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे आई को। तो आप लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू आई, इन सब में कॉमन है, 1 - 1/7 माइनस 2/7 1/7, इधर से एक मैंने आई नज़र आ रहा है आपको, मैं रेड से शो कर देता हूँ आपको, एक आई ये रहा एक ये कॉमन आ जाएगा यहाँ से, एक आई आपका यहाँ पे मौजूद है, एक आई यहाँ पे मौजूद है, दो आईज यहाँ पे जो कि कॉमन आप निकाल सकते हैं बाहर, वो आपने निकाल लिए सर। और 1/1 कहाँ से आ गए, 1 जब आपने आई निकाला तो 1 पीछे बचेगा ना, मैं बल्कि एक काम ये कर देता हूँ कि इधर ही आपको ना एक स्टेप और करा देता हूँ इसका बीच में, ताकि आपकी शक भी दूर हो जाए, ये आई कैसे बाहर निकला ये भी बता देता हूँ आपको। देखें जी, एक्स इज इक्वल टू ये एक आई है, फिर ये आई बाय सेवन है इसका रेंट का, फिर आपने 2/7 आई कर दिया, यहाँ से आपने 1 - 1/7 अंदर छोड़ा, यहाँ से आई हमने कॉमन निकाला, ठीक है निकाल सकते हैं कि नहीं सर, एक दफा फिर सर देखें, एक आई यहाँ पे है और एक यहाँ पे, हमने इसको बाहर निकाल लिया है। सही है। अच्छा अब मैं इस सबसे आई को बाहर निकाल लेता हूँ, 1 - 1/7 ठीक है, -2/7 1 - 1/7 ये x आ गया, x के बराबर है, ठीक है। अब आपने निकालना है i, तो मैं इस जगह को साफ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है कोई इशू तो नहीं है, ये डिलीट कर दूँ, कर दे सर। तो ये आपका जो है ना i आपने निकालना है ना, i आ जाएगा यहाँ से, उस बाकी सब दूसरी साइड पे ले जाएं, x डिवाइडेड बाय 1 - 1/7 -2/7 1 - 1/7। अब एक काम करें, इसको ज़रा जल्दी से सॉल्व कर लें, ये क्या बन जाता है एक नंबर की शक्ल में, 1 में से 1/7 निकालें तो हो जाता है
6/7, ठीक है, 6/7 2/1 से तो ये हो जाएगा 12/49, तो यहाँ पर जो है ना 12/49 आ जाएगा सर। तो वन सर ये फर्दर सोल्व किए आंसर के लिए? हाँ हाँ, ये जो लिखा है ना, क्योंकि नंबर्स है ना, इनको सॉल्व कर लेना तो एक नंबर की शक्ल में आ जाएंगे। अच्छा ये 1/7, अच्छा ये 6/7, ये चीज 6/7 हो जाएगी, इसमें से आप 12/49 निकाल दें, ये हो जाएगा 42 में से 12 निकाल दें / 49, तो 42 और ये हो जाएगा 30/49, तो ये हो जाएगा आपके पास 49x/30। इसको ज़रा क्रॉस चेक करें, मैं अगर लिखता हूँ ये जो सर, एक मिनट सर, ये सर 6 कैसे आया सर और 12 सर, आपने 7 में से 1 माइनस किए। हाँ देखिए ना, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये जो चीज़ है ना आपकी, ये हो जाती है 6/7, 7 × 1 = 7 - 1 = 6/7, इसको जब आप इससे ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है 12/49, 7 × 7 = नीचे 49, ऊपर 6 × 2 = 12, ठीक है जी। ये अच्छा दूसरी इधर आ जाएं, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये 1 - 1/7 है, ये हो जाएगा 6/7, तो 6/7 से आपने निकाला है 12/49, तो आपके पास आता है 30/49 आंसर। ज़रा एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करके देखें ना कैलकुलेटर पे, देखें आसान, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एलसीएम लेने के बजाय आप सिंपली लिखें 7 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 7 नीचे मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 49 हो जाएगा ना, ऊपर 7 × 6 = 42 हो जाएगा, तो 49 का मतलब है कि आप इसको फ्रैक्शन सेम बना सकते हैं, ऊपर 42 में से 12 माइनस कर दिया है, 42 - 12, ये वाला 12, तो जब 42 में से 12 निकालते हैं पीछे क्या बचता है 30, तो 30 upon 49 बचता है, डिनोमिनेटर में बचता है 30 upon 49, तो 30 नीचे जो 49 है वो ऊपर चला गया है। 49 में सर अगर 12 निकाल दूं तो 37 आएगा ना? नहीं नहीं 49 नहीं, 42 में से 12 निकालें। अच्छा अच्छा सही है, 7 × 6 = 42 होता है ना, तो 42 में से आप निकालें 12 तो पीछे 30 बचता है, तो 30 यानी आपका जो आंसर आ रहा है ना इनकम वाला, वो आपके पास है I = 49/30 × x, x है वो पैसे जो बच गए इसके पास। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है सर। आखिरी सवाल थोड़ा आसान है सर, 30 सर किस तरह है सर, ये समझ नहीं आ रहा कौन सा 30 सर। एक मिनट यार, एक मिनट अभी आप ना इधर जरा ध्यान दें, ये चीज आपको समझ में आ गई है कि नहीं, इसका समझ आना जरूरी है। यहाँ पे हमने लिखा है 1 - 1/7 - 2/7 (1 - 1/7). इस चीज को आप मान एग्री करते हैं ना, तो हमने सही निकाली है ना जी सर। अब आपने सिर्फ कैलकुलेटर पे रिजल्ट निकालना है इसका, आप लिखें 1 - 1/7 - 2/7 ब्रैकेट कर लें इसका, और इसको 1 - 1/7 ब्रैकेट पहले ब्रैकेट नहीं कर सकते तो एक और काम कर लें यार कैलकुलेटर पे ना, एक मिनट यार, आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। देखें जी कहाँ जाइए, पहले आप इसको सॉल्व कर लें, ये कितना बनता है 1 - 1/7 1 - 1/7 कितना आंसर आता है ये जरा देखें, 6/7 आ रहा है ना, ये 6/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/7 कितना आता है, मल्टीप्लाइड बाय 6 / 7 / 2/7 यानी कि आएगा 6 × 12/49 आता है कि नहीं आता सर। एक मिनट सर, 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? ये आप एक काम करें, कैलकुलेटर अभी निकालें ना आप, मुझे बताते जाएं, मुझे बताते जाएं साथ साथ में आपसे जी सर। तो सर 6/7 आया ना, उसके बाद क्या करने? 6/7 नहीं, आप डेसिमल पॉइंट में बताएं मुझे। अच्छा सर, 1 - 1/7 कितना आता है डिवाइडेड बाय 7? वो खुद ही प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर लगा देगा, पहले डिवाइड करेगा फिर माइनस करेगा।
सर ये 0.857 857। अच्छा 6 डिवाइडेड बाय 7 करें जरा। 6 डिवाइडेड बाय 7 सर ये ही आ रहा है 0.857। अच्छा अब आप ये काम करें 0.857 को मल्टीप्लाई करें 2 से और 7 से डिवाइड कर दें, फिर क्या आंसर आता है? 0.857 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? 27 से डिवाइड कर दें, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दें। 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और सर किस से मल्टीप्लाई करूं? डिवाइड 7 से 0.857 से मल्टीप्लाई करके 0.857 को 2 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दें। सर ये 0.244 आ रहा। अच्छा ये 0.244 ये पूरी ये चीज़ है, ठीक है 0.244। अच्छा 1 डिवाइडेड बाय 7 जो था आपके पास वो कितना था? 1 माइनस ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 7 यहाँ पे निकाला है ना आपने ये, तो yes, अब मैं येलो से लिख देता हूँ, अपना ग्रीन कलर से लिख देता हूँ। अब आप ये करेंगे 0.857 माइनस दिस थिंग 0.244, अब मुझे बताएं क्या आंसर आता है? डिवाइड कर दें माइनस 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 कर दें इसको। सर ये आ रहा है 0.613। ये आपका नीचे जाएगा x अपॉन 0.613। अब आप इसको एक काम करें, 1 डिवाइडेड बाय 0.613 करें, क्या आता है? ये आपका आंसर है I is equal to 1.631x। ये चीज़ जो है ना ये 49 डिवाइडेड बाय 30 करें तो यही आनी चाहिए, अगर आपने कैलकुलेशन पीछे सारी सही की है तो। मैं ज़रा इसको वो भी कर लूँ, 39 डिवाइडेड बाय क्या करूँ सर? एक मिनट यार कैलकुलेटर, 49 डिवाइडेड बाय 30 यही आ रही है 1.633, ठीक है ये एक्चुअली आपका है 49/30x जो मैंने निकाला था ना थोड़ी देर पहले, ये वो चीज़ है। सर आपने इस तरह निकाला था? मैंने यार वो डेसिमल पॉइंट से नहीं निकाला था, मैंने फ्रैक्शंस को जमा तफरीक कर करके निकाला था वो भी। आप कोशिश करें ना अभी एज एन एक्सरसाइज, आप एक काम ये करें कि इसको सिंपल जो है ना 1 - 1/7 - 2/7 ब्रैकेट 1 - 1/7 को ज़रा सॉल्व करके मुझे दिखाइएगा, अपने सेंड करना है मुझे, ठीक है ये भी मैं देख लूँ ताकि इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। ये सॉल्व किया फिर जो भी आया उसको आपने इस 2/7 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो भी आया उस पूरे को इसको इन 1 से सब्ट्रैक्ट किया, ये सारे स्टेप बाय स्टेप करें। मैं ज़रा आखिरी सवाल करा लूँ ताकि मैं कल नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर सकूँ। मंडे को नेक्स्ट शुरू हो सके ना, तो इससे ये सवाल कर लें ज़रा, ये रह जाएगा वरना। अच्छा ये जो है ना कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एज फॉलोस, देयर इज अ फिक्स्ड चार्ज ऑफ, डेटा बनाते जाएं, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू पाउंड ए फॉर द रेंट, ठीक है फिर इसके बाद ये आपका समझ लें मीटर रेंट वाली जो है ना ब्रैकेट में लिख दी मैंने। इसके बाद देयर इज अ चार्ज ऑफ, नहीं फिक्स चार्ज तो हो गया ना, रेंट वाला आ गया है, फिक्स चार्ज हो गई, फिर कहते हैं देयर फॉर द रेंट ऑफ मीटर द चार्ज इज, हाँ मीटर रेंट अगली चीज़ है, मीटर रेंट हमारे बिलों में भी मीटर रेंट आता है, ठीक है बी पाउंड्स। इफ द इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज फॉर सी पेंस पर यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इज इक्वल टू सी पेंस पर यूनिट इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 100 और ये पाउंड्स में कन्वर्ट हो गया पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो आपके पास एन है, नंबर ऑफ
यूनिट्स ऑफ, सर आपने क्या लिखा हुआ सर 100 के ऊपर सी कहा पर यूनिट लिख दिया उसको मैंने पर यूनिट वो उसकी वो मतलब ये है कि यूनिट है समझें कैलकुलेशन की यूनिट समझते हैं ना मीटर किलोमीटर जैसे उस तरीके से वो एक अलग सी चीज़ है हमारे लिए जो तवज्जो वाली चीज़ है वो सी बाय 100 है। अच्छा सही है सर हमने एन यूनिट खर्च किए हैं और हर यूनिट खर्च किया सी बाय 100 के हिसाब से तो आप लिख दें कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली कॉस्ट ऑफ सर ये आपने नंबर ऑफ यूनिट्स के आगे क्या लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी नंबर ऑफ यूनिट्स कहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी लिखा है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू एन ये सवाल में दिया हुआ है इन्होंने कि एन यूनिट्स ये देखें एन एन यूनिट्स बिजली के खर्च हुए हैं कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली का मतलब है कि जो यूनिट का खर्चा है पर यूनिट के हिसाब से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एन सी अपॉन 100 पाउंड्स ठीक है टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अब वो हमने निकालनी थी वो आखिरी स्टेप में लिखता हूँ पहले आप इधर तक पहुँच जाए ना फिर देख लिए सर तो मेरा कर्सर कहाँ गया अच्छा ये अच्छा टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू पाउंड ए फिक्स्ड कॉस्ट प्लस पाउंड बी मीटर रेंट प्लस बिजली की कॉस्ट एन सी अपॉन 100 ये टोटल कॉस्ट बनेगी इसकी बस सर ये फाइनल आंसर है हाँ फाइनल आंसर जो है ना इसको आप अगले स्टेप में बेशक लिख लें पाउंड ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस एन सी अपॉन 100 ये पाउंड्स में आंसर है वो कॉस्टों को जमा कर दिया था ना ये टोटल आंसर है इसका अगर वो एबीसी की वैल्यू देता तो आपका आंसर नंबर्स में निकल आता ठीक है जी ठीक है सर तो ये आपकी वो एक्सरसाइज खत्म होगी इस पूरे को मुझे जमा कराना है अपने फिर चेकिंग के लिए ठीक है और टेस्ट पे डिस्कस कर लेंगे और सर वो 3 एक्सरसाइज है वो भी इसी तरह की है ना वो भी मैं करके चेक कर लूं वैसे एक मिनट 3 एक्सरसाइज कैसी है आप खुद कर सकते हैं जमा करा सकते हैं तो करा दें लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आप करा सकेंगे कोशिश करूंगा सर कोशिश कर लें उसको फिर देख लेंगे ठीक है ठीक है सर अल्लाह हाफिज़ ओके जी खुदा हाफिज़ अल्लाह